हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल T10 स्टडी पर। आज के वीडियो में हम लोग टैक्सोनॉमी चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने सेल चैप्टर और टेस्ट चैप्टर को ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं जिसमें साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। खास करके आप लोगों को पता होगा कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जामिनेशन होने वाला है और इसमें साइंस का कितना वेटेज है, 25 क्वेश्चन आपको साइंस से ही पूछा जाएगा। तो यदि आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा तो आपको साइंस में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरली टैक्सोनॉमी के बारे में। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्ग की, ठीक है। अब तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ तो ये टैक्सोनॉमी आखिरकार ज़रूरत क्यों पड़ा, यानी कि वर्गीकी का ज़रूरत क्यों पड़ा। तो देखो, हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के जीव हैं, ठीक है, और सभी जीवों में कई प्रकार की समानताएँ और विसमानताएँ होती हैं। और अगर स्टडी करने के लिए बोला जाए तो इतने सारे जीव हैं, सबको एक एक करके स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इनको क्या किया गया, अलग अलग कैटेगरी में इनके समान और विसमान गुणों के आधार पर रखा गया ताकि स्टडी में सुविधा हो पाए, ठीक है। तो देखो, हमारे आसपास जितने भी जीव हैं उसमें समानता और विसमानताएँ पाई जाती हैं। तो ये जो समानता और विसमानताएँ पाई जाती हैं इनको कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता। जीवों में पाए जाने वाले विविधताओं को जैव विविधता कहा जाता है, ठीक है। और स्टडी में सुविधा के लिए इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करा गया, उसको क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी बोलते हैं, वर्ग की बोलते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के वर्गीकरण के संबंध में अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमी कहलाता है, ओके, याद रहेगा। देखो, टैक्सोनॉमी जो है, टैक्सोनॉमी का स्थापना किया था कार्ल लिनियस ने। किसने किया था, कार्ल लिनियस ने किया था। इसको कभी कभी कार्लस लिनियस भी लिखा जाएगा, ठीक है, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। टैक्सोनॉमी का स्थापना किसने किया था, कार्ल लिनियस ने किया था, और इन्होंने ही सबसे पहले जीवों को वर्गीकृत करना शुरू किया था। चलो, अगला प्रश्न है, टैक्सोनॉमी का स्थापना किसने किया, मैंने तुरंत बताया टैक्सोनॉमी का स्थापना किसने किया था, कार्ल लिनियस ने किया था। आगे, द्विनाम पद्धति किसने दिया था, देखो द्विनाम पद्धति जो है यह दिया था कार्ल लिनियस ने, ठीक है। द्विनाम पद्धति जो होता है, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय क्या है, तो द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है जीवों के नाम, दो नाम, मतलब जो नाम होता है उसके दो शब्द से लिखना, ठीक है। जैसे कोई भी जीव है उसका एक नाम है तो उसका जो वैज्ञानिक नामकरण किया जाता है तो उसमें दो शब्द को इंक्लूड करा जाता है। तो दो शब्द कौन कौन से इंक्लूड करे जाते हैं, एक तो उनके वंश का इंक्लूड करा जाता है और एक जाति का इंक्लूड करा जाता है। वंश का मतलब हो गया जीनस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जीनस, तो ये भी याद रखिएगा। और जाति को बोलते हैं स्पीसीज, ओके, क्या बोलते हैं, स्पीसीज बोलते हैं। तो हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में इंग्लिश में भी पूछ ले। तो जब द्विनाम पद्धति का यूज करा जाता है तो उसमें कौन से दो शब्द को यूज करा जाता है, तो एक तो जीनस का और एक स्पीसीज का। तो चलिए, क्या होते हैं द्विनाम पद्धति हम लोग देख लेते हैं एक बार में। जैसे कि देख लो, यहाँ पर मैंने बाघ का क्लासिफिकेशन किया है, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या बताया कि जो भी जीव होते हैं उनको सात ऑर्डर में डिवाइड करा जाता है। सबसे जो टॉप पर होता है उसको बोलते हैं किंगडम, यानी कि साम्राज्य, ठीक है। उसके बाद आता है फाइलम, फिर आता है क्लास, फिर आता है ऑर्डर, फिर आता है फैमिली, फिर आता है जीनस और फिर आता है स्पीसीज। इस ऑर्डर में आप लोग याद रखोगे, आपके एग्जामिनेशन में इस ऑर्डर में भी सजाने के लिए बोल देता है, ठीक है। तो किसी भी जीव का जो वर्गीकरण का आधार होता है वो होता है जाति, यानी कि स्पीसीज, या फिर वंश भी आपको दे देगा एग्जामिनेशन में, याद रहेगा, ओके। तो ये सात लेवल होते हैं, सात स्तर होते हैं किसी भी जीव के वर्गीकरण का। कौन कौन सा, सबसे टॉप पर हो जाएगा आपका साम्राज्य, ठीक है, उसके बाद फाइलम, उसके बाद वर्ग, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद कुल, उसके बाद वंश और उसके बाद जाति। तो अगर हम बात करें बाघ का, तो बाघ किस साम्राज्य से बिलोंग करता है, तो बाघ का जो साम्राज्य है वह है जंतु। बाघ क्या है, जंतु है, ठीक है। और किस फाइलम से बिलोंग करेगा, कॉर्डेटा फाइलम से। वर्ग क्या है इसका, स्तनधारी है। देखो, कॉर्डेटा का मतलब होता है नोटोकॉर्ड की उपस्थिति। जैसे हम लोगों में रीढ़ की हड्डी है ना, तो ये जो रीढ़ की हड्डी है ये नोटोकॉर्ड को ही दर्शाता है। स्तनधारी का तो मतलब आप लोग समझते ही होंगे, स्तनधारी का मतलब हो गया स्तन धारण करने वाला, ओके। ऑर्डर, ऑर्डर कहने का मतलब ये हो गया मांसाहारी, ओके। फैमिली, यानी फैमिली जो है इसका, यह फैलरी फैमिली से बिलोंग करता है। जीनस क्या है, पैंथेरा, और जाति क्या है, टाइग्रिस। तो मैंने तुरंत बताया था जो द्विनामकरण किया जाता है वो दो शब्द लिया जाता है, एक जाति और एक वंश, यानी कि एक जीनस और एक स्पीसीज। तो इस तरीके से बाघ का जो वैज्ञानिक नाम हो जाएगा क्या हो जाएगा, पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा क्या हो गया, जीनस हो गया, और टाइग्रिस क्या हो जाएगा, स्पीसीज हो गया,
ठीक है, याद रहेगा बाद का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, पेंथेरा टाइग्रिस। तो इस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। आगे है वर्गीकरण का पितामह किसे कहा जाता है, या वर्गी का पितामह किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है कार्ल लिनियस को। ठीक है, पितामह कहे या जनक कहे एक ही चीज़ है। ठीक है, तो बात आता है कार्ल लिनियस को वर्गी का जनक क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले टैक्सोनॉमी का स्थापना इन्होंने ही किया था। ठीक है, और इन्होंने ही टैक्सोनॉमी का स्थापना करने के बाद जीवों को सबसे पहले डिवाइड करा था। ठीक है, कितने पार्ट में डिवाइड करा था सब हम लोग आगे देखने वाले हैं। चलिए आगे है वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है। तो देखिए वर्गीकरण की जो आधारीय इकाई है वह स्पीसीज, मैंने बताया था ना सात, सबसे बॉटम में कौन था स्पीसीज यानी कि जाति। तो वर्गीकरण की जो आधारीय इकाई है वो क्या हो जाएगा, जाति हो जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने फिर से लिख रखा है, आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट करके भी लिख रख सकते हो। ठीक है, वर्गीकरण पद्धति में सात अलग अलग स्तर होते हैं। सबसे ऊपर होता है किंगडम, उसके बाद फाइलम, उसके बाद क्लास, उसके बाद ऑर्डर, फिर फैमिली, जीनस और लास्ट में स्पीसीज, और यही आधारीय इकाई है। चलो आगे देखते हैं वर्गीकरण के द्विनाम पद्धति का उल्लेख लिनियस ने किस पुस्तक में करा था। तो देखो द्विनाम पद्धति का जो उल्लेख है ना, इसमें इन्होंने किस में करा था, तो स्पीसीज प्लांटेरियम में किया था। ठीक है, द्विनाम पद्धति याद रखिएगा, द्विनाम पद्धति का उल्लेख किया था स्पीसीज प्लांटेरियम में, लेकिन टैक्सोनॉमी का जब पूछेगा तो हो जाएगा सिस्टेमा नेचर का। ठीक है, कहीं कहीं सिस्टेमा नेटूरे मिलेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। द्विनाम पद्धति किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था, और किस पुस्तक में उल्लेख किया था, तो स्पीसीज प्लांटेरियम, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे है मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मानव का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस लीन। मेंजिफेरेंडी का मैंने तुरंत तो बताया किसका होता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, पेंथेरा टाइग्रिस किसका है, बाघ का है। आगे है चार्ल्स डार्विन ने कौन सी पुस्तक लिखी। तो देखो चार्ल्स डार्विन और लैमार्क ये दो ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने विकासवाद से संबंधित अपना अपना सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था कि ऐसा सिद्धांत जिसमें जीव के बारे में कहा था कि वही जीव इस दुनिया में अपना अस्तित्व बना रख सकता है जो संघर्ष करके जिंदा रहेगा, समझ रहे हो। तो ये जो चार्ल्स डार्विन है ये सिद्धांत इन्होंने किस बुक में दिया था, तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया था। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा, चार्ल्स डार्विन ने, और सिस्टेमा नेचर किसने लिखा, लिनियस ने, और प्लांटेरियम किसने लिखा, लिनियस ने लिखा। आगे है लिनियस ने टैक्सोनॉमी से संबंधित सिद्धांत किस पुस्तक में दिया। तो देखो टैक्सोनॉमी से संबंधित सिद्धांत दिया था सिस्टेमा नेचर में। ओके, द्विनाम पद्धति पूछ लेगा तो स्पीसीज प्लांटेरियम। संपूर्ण जीव जगत को दो साम्राज्य में किसने बांटा, लिनियस ने बांटा, है ना। तो कौन कौन सा पार्ट हो गया, तो एक हो गया एनिमल किंगडम और एक हो गया प्लांट किंगडम। ठीक है दोस्तों, यदि इसका PDF चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का भी सेम नाम है T10 Study। ठीक है, वहाँ पर जुड़ करके वहाँ से ये PDF आप इजीली ले सकते हो। चलो आगे देखते हैं। आगे है संपूर्ण जीव जगत को तीन साम्राज्य में किसने बांटा। तो संपूर्ण जीव जगत को तीन साम्राज्य में बांटा था EH Hickel ने। इनका बांटने का स्तर क्या था, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम और प्रोटिस्टा। ठीक है, तो एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम और प्रोटिस्टा, इस तीन साम्राज्य में किसने बांटा था, तो याद रखिएगा EH Hickel। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जीव जगत को तीन जगत में किसने वर्गीकृत किया था, तो हीकल ने किया था, और वो कौन कौन सा था, तो एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम और प्रोटिस्टा था। आगे है संपूर्ण जीव जगत को चार साम्राज्य में किसने डिवाइड किया था। तो देखो चार साम्राज्य में डिवाइड किया था, तो यहाँ पर गलती से आप आर्बिटेकर टिक मत करना। ठीक है, क्योंकि चार साम्राज्य में डिवाइड किया था HF Copeland ने। ठीक है, तो जीव जगत का चार साम्राज्य में किसने डिवाइड किया था, HF Copeland ने। तो इन्होंने किस तरीके से डिवाइड करा था, देखो इन्होंने डिवाइड करा था, सबसे पहले में रखा था मोनेरा को। मोनेरा के अंतर्गत कैसे जीव को रखा, प्रोकैरियोटिक और एक केशकीय जीव को रखा। ठीक है, दूसरा क्या था, प्रोटिस्टा, जिसमें इन्होंने यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों को रखा। तीसरा था मेटाफाइटा। ठीक है, तो मेटाफाइटा में इन्होंने एडवांस यूकैरियोटिक प्लांट को रखा, प्लांट बोले तो पौधा। और चौथा क्या था, मेटाजुआ। तो मेटाजुआ में कैसे जीवों को रखा, एडवांस यूकैरियोटिक एनिमल को। ठीक है, तो याद रहेगा चार जगत वर्गीकरण प्रणाली किसने दिया था, तो कॉपलैंड ने दिया था। किसने दिया था, कॉपलैंड, याद रखना चार जगत वर्गीकरण प्रणाली किसने दिया था, कॉपलैंड ने दिया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है संपूर्ण जीव जगत को पांच साम्राज्य में किसने बांटा था। तो पांच साम्राज्य में बांटा था आर्बिटेकर ने। ठीक है, और ये पांचों साम्राज्य कौन कौन से हैं, तो ये पांचों साम्राज्य आपका पहला हो जाएगा आपका क्या, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। और याद रखना कि अभी तक मैंने जितने भी साम्राज्य बताए इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो यही पाँचों आर्बिटेकर के द्वारा जो डिवाइड करा गया। तो आप चाहे आप 9th की क्लास में पढ़ो या
प्लस वन की क्लास में पर हो गया, ठीक है, या कहीं भी किसी बुक में अगर साइंस में नहीं, अगर आप अरविंद टेकर का क्लासिफिकेशन पढ़ते हो तो यही आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसी से आपको ब्रीफ नॉलेज मिलता है और यही से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम लोग मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमलिया को एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, मोनेरा को सेपरेट वीडियो में, प्रोटिस्टा को सेपरेट वीडियो में। लेकिन ये मैं यहाँ पर एक छोटा सा एक जानकारी देता हूँ, मोनेरा के अंतर्गत इन्होंने रखा प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव को, प्रोटिस्टा के अंतर्गत अरविंद टेकर ने रखा यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव को, फंगी के अंतर्गत वैसे पौधे को रखा जिनमें हरित लवक नहीं था जैसे कि मशरूम वगैरह, ठीक है, प्लांटी के अंतर्गत वैसे पौधों को रखा जो प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम थे, और एनिमलिया के अंतर्गत इन्होंने किसको रखा तो जंतु को रखा, ठीक है। तो ये जो पांच जगत वर्गीकरण प्रणाली है, तो इस पांच जगत वर्गीकरण प्रणाली को किसने दिया था, तो याद रखिएगा ये दिया था अरविंद टेकर ने, किसने दिया था, अरविंद टेकर ने दिया था, याद रहेगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला है संपूर्ण जीव जगत को छह साम्राज्य में किसने डिवाइड किया था, आप लोग अक्सर पांच साम्राज्य तक ही पढ़े होंगे, ठीक है, छठा साम्राज्य दिया था ग्रे और डूलिटल ने, ठीक है, क्या, ग्रे और डूलिटल ने, तो इन्होंने कैसे डिवाइड करा था, तो देखो इन्होंने डिवाइड करा था एनिमल किंगडम के रूप में, प्लांट किंगडम के रूप में, प्रोटिस्टा, फंगी, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया के रूप में, ठीक है। तो ये जो छह जगत पर वर्गीकरण प्रणाली है किसने दिया था, ग्रे और डूलिटल ने दिया था, किसने दिया था, ग्रे और डूलिटल ने दिया था, ओके। तो उम्मीद करते हैं जो पॉइंट बताया वो आपको समझ में आएगा, मैं एक बार ब्रीफ जानकारी दे देता हूँ। दो जगत वर्गीकरण प्रणाली किसने दिया था, लिनियस ने दिया था, ठीक है, आप भी मेरे साथ दोहराओ ताकि याद हो जाएगा, ओके, दो जगत वर्गीकरण प्रणाली लिनियस। तीन जगत किसने दिया था, ई एच हीकल ने दिया था, किसने, ई एच हीकल ने दिया था। चार जगत वर्गीकरण प्रणाली किसने दिया, कॉपलैंड ने दिया, किसने दिया, कॉपलैंड ने दिया, ओके। चलो पांच जगत वर्गीकरण प्रणाली किसने दिया, तो ये दिया था आर वी टेकर ने, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका यही है आर वी टेकर, ठीक है। और छठा जगत वर्गीकरण प्रणाली किसने दिया, तो छठा जगत दिया ग्रे और डूलिटल ने दिया था। अगला है तीसरा जगत का प्रस्ताव किसने रखा था, तो देखो लिनियस ने दो जगत वर्गीकरण प्रणाली दिया था, ठीक है, जिसमें प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम था, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म थे जिसमें प्लांट और एनिमल का कॉमन कैरेक्टर मिलता था, तो इसके लिए एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिन्होंने तीसरे जगत का प्रस्ताव रखा प्रोटिस्टा का, तो वो कौन थे, तो वो थे आपका ई एच हीकल, ओके। तो तीसरे जगत का प्रस्ताव किसने दिया था, ई एच हीकल ने दिया था। निम्न में से कौन तीन जगत वर्गीकरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है, देखो तो कौन नहीं है, मैंने बताया पहले प्लांटी था और उसके बाद एनिमल था जिसको लिनियस ने दिया था, और तीसरा कौन था, प्रोटिस्टा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर मोनेरा हो जाएगा, तीन जगत वर्गीकरण प्रणाली का हिस्सा मोनेरा नहीं है। अगला है इस जगत में सरल प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है, तो ऑप्शन में दिया गया है, बताओ कि इसमें किसे सरल प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है, ओके। तो देखो जो आपका मोनेरा है इसके अंतर्गत सरल प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है, मैं एक बार इसमें ब्रीफ जानकारी दे दूं, मोनेरा में सरल प्रोकैरियोटिक, कैसा, प्रोकैरियोटिक, ओके। प्रोटिस्टा में सरल एक कोशिकीय ही होगा लेकिन यूकैरियोटिक, और प्लांट में प्लांट को और एनिमल में एनिमल को। जीवाणु जैसे साइनोबैक्टीरिया या आर्की बैक्टीरिया किस जगत के अंतर्गत रखा गया है, तो इसे रखा गया है मोनेरा के अंतर्गत। किसमें हिस्टोन रहित डीएनए पाया जाता है, तो जो आपको मोनेरा है इसमें हिस्टोन रहित डीएनए पाया जाता है, ठीक है, और अगर क्रोमोसोम की संख्या की बात करेगा तो एक होता है, तो आपको मोनेरा करके एग्जाम में नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा जीवाणु में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो याद रखोगे कितनी होती है, एक होती है। आगे देखो गोल जीवाणुओं को क्या कहा जाता है, तो मैंने बताया जीवाणु का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, जो गोल जीवाणु होते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा, कोकई कहा जाएगा। कौमाकार जीवाणुओं को क्या कहा जाता है, तो देखो गोल जीवाणुओं को कहा जाता है कोकई, लेकिन जो कौमाकार होगा उसे क्या कहेंगे, स्पाइरिला कहेंगे, और जो दंडाकार जीवाणु होगा उसे क्या कहेंगे, बेसिलस कहेंगे। याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है, गोल जीवाणु होगा तो उसको क्या कहा जाता है, कोकई, ओके, जो कौमाकार होगा उसको कहेंगे स्पाइरिला, ठीक, और जो दंडाकार होगा उसे क्या कहेंगे, बेसिलस कहेंगे। आगे है 1675 में जीवाणु का खोज किसने किया, तो मैंने बताया जीवाणु का खोज किसने किया था, इवानोवस्की ने किया था। देखो मैं यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बताता हूँ, सेल का डिस्कवरी किसने किया था,
जो सेल है उसको खोजा था 1665 में रॉबर्ट हुक ने। किसने खोजा था? रॉबर्ट हुक ने खोजा था। लेकिन ये जो सेल था आपका डेड सेल था, ठीक है। यानी अगर आपसे कभी पूछते हैं कोशिका का खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया, या ऐसे पूछ ले निर्जीव कोशिका का खोज किसने किया, फिर भी रॉबर्ट हुक ने किया, ठीक है। लेकिन जब आपसे पूछ लेगा कि सजीव कोशिका का खोज किसने किया, तो देखो सबसे पहला सजीव कोशिका खोजा गया था वह कौन सा कोशिका खोजा गया था, जीवाणु को ही खोज किया गया था, ठीक है। और इस जीवाणु का खोज किसने किया था, इवानो वस्की ने, ठीक है। तो अगर आपसे पूछता है कि सजीव कोशिका का खोज किसने किया, तो आप जवाब दोगे इवानो वस्की। आगे देखो इनमें से क्या जीवाणु में नहीं पाया जाता है, तो देखो जीवाणु में आपको क्या क्या नहीं पाया जाता है, तो जीवाणु में आरएनए होता है, ठीक है, सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति और फ्लैजिला होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो ये आपका एक कोशिकांग है, सेल ऑर्गेन है, ठीक है। और हमें पता है कि जीवाणु जो होता है वो मोनेरा के अंतर्गत आता है, और मोनेरा के अंतर्गत वैसे जीवों को रखा गया है जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें कोशिकांग नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसका मतलब है जीवाणु में क्या नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। किस जगत के अंतर्गत सरल यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है, ठीक है। तो देखो जो मोनेरा था उसके अंतर्गत सरल प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया, लेकिन यहाँ पर कह रहा है यूकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक को किसके अंतर्गत रखा गया है, प्रोटिस्टा के अंतर्गत, ओके। इनमें से कौन प्रोटिस्टा जगत से संबंधित नहीं है, तो देखो यूबैक्टीरिया, यूक्लिना, अमीबा और डाइटम, इसमें से कौन है जो आपका किसके अंतर्गत आता है, प्रोटिस्टा के अंतर्गत नहीं आता है। तो मैंने भी बताया था जो डाइटम, अमीबा और यूग्लिना है ये आपका प्रोटिस्टा जगत से संबंधित है, लेकिन यू बैक्टीरिया आपका प्रोटिस्टा जगत से संबंधित नहीं है। आगे मलेरिया किसके कारण होता है, तो देखो यहाँ पर आप कंफ्यूज़ करोगे, मैं इसको डिटेल बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो बात कर लूँ, मलेरिया जो होता है वो होता है प्लाज्मोडियम की वजह से। आप कहोगे कि सर इसमें प्रोटोजोआ भी तो है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो होता क्या है कि जो मलेरिया होता है इसका वाहक होता है मादा एनोफ्लीज मच्छर। कौन सा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है। तो मादा एनोफ्लीज मच्छर जो होता है यह मलेरिया रोग का वाहक है, ठीक है। तो मलेरिया रोग के वाहक में इसका क्या योगदान है, तो मादा एनोफ्लीज जो होता है इसके शरीर में पाया जाता है प्रोटोजोआ, ठीक है। क्या पाया जाता है, प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ क्या है, एक वर्ग है, इसके अंतर्गत तो और भी जीव होंगे, ठीक है। तो कौन से जीव, प्लाज्मोडियम, कौन सा, प्लाज्मोडियम, समझ रहे हो क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। और यही प्लाज्मोडियम जो होता है यह मलेरिया रोग के लिए जिम्मेदार होता है। तो हम अगर बात कर लें मलेरिया किसके कारण होता है, तो प्लाज्मोडियम के कारण होता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम किस वर्ग से संबंधित है, प्रोटोजोआ से, ठीक है। और प्रोटोजोआ किस जगत से संबंधित है, प्रोटिस्टा से, ओके। और प्रोटोजोआ या प्लाज्मोडियम का वाहक कौन है, मादा एनोफ्लीज मच्छर। तो अगर आपसे पूछ ले मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, तो मादा एनोफ्लीज मच्छर, ठीक है। और अगर पूछ ले कि मलेरिया किसके कारण होता है, तो ऑप्शन में आपको देखना है, अगर प्लाज्मोडियम नहीं है तो प्रोटोजोआ से टिक करना है, और अगर प्लाज्मोडियम दिया गया है तो आप आँख बंद करके प्लाज्मोडियम टिक कर लो। अच्छा आपको पता है ये जो मच्छर हम लोगों को काटता है, तो आप मच्छर काटता है या काटती है, मतलब मच्छर मेल मच्छर हम लोगों को काटता है या फीमेल मच्छर काटती है, ठीक है। तो याद रखना भाई मेल कभी नहीं काटता है, काटती कौन है, फीमेल काटती है, ठीक है। यानी कि जो लड़की मच्छर होती है वही आपको काटने के लिए दौड़ेगी, और क्यों काटने के लिए दौड़ती है आप हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आप नहीं जानते हो तो भी कमेंट कर दो, ताकि मैं अगले वीडियो में इसको बता दूंगा कि फीमेल मच्छर ही क्यों काटती है, मेल क्यों नहीं काटता है। आगे है अमीबा में पोषण कितने चरणों में होता है, तो देखो अमीबा में जो पोषण होता है वो तीन चरणों में होता है, कौन सा, अंतर्ग्रहण, पाचन, ठीक है, और बहिष्करण, ओके। याद रखिएगा ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि अमीबा में जो पोषण होता है वो तीन चरणों में होता है, पहले अंतर्ग्रहण करेगा, ठीक है, फिर उसको पचाएगा, और जो वेस्ट पार्टिकल बचेगा उसको शरीर से बाहर निष्कासित करेगा, जिसको बहिष्करण कहते हैं। सी आंसर हो जाएगा।
किंगडम मोनेरा, फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया के बीच कड़ी का काम कौन करता है? ओके, तो कौन करता है? प्रोटिस्टा करता है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, जंतु और पौधे दोनों को गुण पाए जाते हैं। तो जो युगलिना होता है इसमें एनिमल का भी करेक्टर पाया जाता है, ठीक है, और प्लांट्स का भी करेक्टर पाया जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, ALP का जो एग्ज़ाम हुआ था रेलवे का, उसमें बहुत बार पूछा गया था। अब अगर देखो, स्लाइम मोल्ड को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो जो स्लाइम मोल्ड होता है, मैंने कहा था स्लाइम मोल्ड को कहा जाता है डीकम्पोज़र या अपघटक। ये जो अपघटक है हिंदी में है और डीकम्पोज़र इंग्लिश में है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपघटक का मतलब होता है कि जो बड़े बड़े जीव होते हैं मर जाते हैं, ठीक है, तो उनके शरीर को छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड कर देता है और मिट्टी में मिलाने में मदद करता है, ठीक है, इसीलिए इसको डीकम्पोज़र कहा जाता है। किसको? स्लाइम मोल्ड को। याद रखिएगा, इनमें हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है, परपोषण पाया जाता है, और परपोषण में भी कौन सा? टिक न्यूट्रिशन यानी कि मृतजीवी पोषण पाया जाता है। डी करेक्ट आंसर होगा। एक ऐसे जीव का नाम बताएं जिसमें पौधे और जंतु दोनों का गुण पाया जाता है। तो ये है आपका युगलिना, और ये है आपका अभी जो RRB का एग्ज़ाम हुआ था रिसेंटली, ग्रुप डी का और किसका, ALP का और JEE का, इसमें ये क्वेश्चन हाईलाइटेड था। यानी कि लगभग मैक्सिमम सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक ऐसे जीव का नाम बताएं जो क्या है, जिसमें जंतु और पौधे दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो ये है आपका युगलिना, और युगलिना किस संघ से बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग करता है आपका प्रोटिस्टा से। किस से बिलोंग करता है? प्रोटिस्टा से, जिसको आर्बिटेकर ने क्या किया था, डिवाइड किया था, ठीक है। एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को किस समूह में रखा गया है? तो देखिए, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है मोनेरा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? मोनेरा के अंतर्गत। लेकिन जब यहीं पर प्रोकैरियोटिक के जगह पर यूकैरियोटिक होता तो वो हो जाता आपका प्रोटिस्टा के अंतर्गत, ठीक है। फंजाई के अंतर्गत किसे रखा गया है? बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को। किसे? बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को। एनिमेलिया के अंतर्गत किसको रखा गया है? तो एनिमेलिया के अंतर्गत जितने भी विकसित जंतु हैं उन सभी को रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, पादप जगत के किस विभाग में थैलस पाया जाता है? तो देखिए, आपका थैलस पाया जाता है थैलोफाइटा में, ठीक है। जो भी थैलोफाइटा समूह से प्लांट बिलोंग करते हैं उनमें थैलस पाया जाता है। थैलस यानी कि थैलस कहने का मतलब ये होता है कि इनमें ना तो आपका जड़ पाया जाएगा, ना तो तना पाया जाएगा और ना ही पत्ती पाया जाएगा। मतलब क्या? जड़, तना, पत्ती इन सभी चीज़ों में विभाजित नहीं होता है। कौन? थैलोफाइटा, ठीक है। ब्रायोफाइटा की बात करें तो इसमें थोड़ा सा विभाजित होता है, लेकिन इसमें भी थैलस पाया जाता है बहुत कम मात्रा में। और टेरिडोफाइटा आपका विकसित पौधा हो गया। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, पादप जगत के किस विभाग के पौधे में जड़, तना में पत्ती विभेदित नहीं होता? तो मैंने जस्ट बताया था थैलोफाइटा में क्या होता है, विभेदित नहीं होता है, क्योंकि इनका पूरा शरीर कैसा होता है, थैलस के जैसा होता है। नेक्स्ट है, शैवाल किस विभाग से संबंधित है? तो देखिए, शैवाल आपका संबंधित है थैलोफाइटा से। किस विभाग से संबंधित है? थैलोफाइटा से संबंधित है। और देखिए, जितने भी माइक्रो प्लांट हैं यानी कि छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उन, वे सारे आपका किस संघ से बिलोंग करेंगे? तो थैलोफाइटा से बिलोंग करेंगे, ठीक है। और थैलोफाइटा जो है पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है, ये भी याद रखिएगा। और अगला प्रश्न मैंने वही लिया है, पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है? तो थैलोफाइटा। तो देखिए, इसे बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर के आ रहे हैं, और आपका जो रिसेंटली एग्जामिनेशन हुआ था रेलवे का उसमें आपका इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, पादप जगत के थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा से, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? तो पादप जगत का उभयचर कहा जाता है ब्रायोफाइटा का। उभयचर को इंग्लिश में कहा जाता है एम्फीबियंस, ठीक है। एम्फीबियंस कहने का मतलब जो जल और स्थल दोनों जगह निवास करने योग्य होते हैं। जो जीव दोनों जगह निवास करने योग्य होते हैं उन्हें कहा जाता है उभयचर यानी कि एम्फीबिया। तो इसमें कौन सा विभाग है जिसमें दोनों जगह रह सकते हैं? तो वो है आपका ब्रायोफाइटा। मीन्स क्या? पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइटा। लेकिन अगर जंतु जगत का पूछेगा तब क्या जवाब दीजिएगा? तो जंतु जगत का हो जाएगा एम्फीबिया। क्या हो जाएगा? एम्फीबिया, जिसमें आपका मेढक वगैरह आते हैं एम्फीबिया के अंतर्गत। तो पादप जगत का जो उभयचर है वह कौन सा? एम्फीबिया। और सॉरी, पादप जगत का ब्रायोफाइटा और जंतु जगत का एम्फीबियंस, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रिक्सिया, मार्केसिया, फ्यूनेरेरिया इत्यादि किस विभाग के जीव हैं?
तो देखिए आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिक्सिया, क्योंकि रिक्सिया के बारे में एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा है। मरकेसिया, फ्यूनेरिया इनके बारे में नहीं भी पूछा जाता है, लेकिन रिक्सिया के बारे में पूछा जाता है कि रिक्सिया पादप जगत के किस विभाग से संबंधित है। तो ये संबंधित है आपका ब्रायोफाइटा से। किससे? ब्रायोफाइटा से संबंधित है, ठीक है। शैवाल किससे संबंधित है? थैलोफाइटा से संबंधित है। याद रखें आप लोगों ने जो नील हरित शैवाल जो पढ़ा है वो सारे थैलोफाइटा से बिलोंग करते हैं। अगला है मार्सिलिया, फर्न आदि किस विभाग से संबंधित है? तो ये है आपका टेरिडोफाइटा से, ठीक है। अब इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? फर्न। फर्न के बारे में एग्जामिनेशन बहुत बार पूछा गया, फर्न किस विभाग से संबंधित है? तो वो आपका टेरिडोफाइटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमीबा कितने कोशिका का बना होता है? तो अमीबा जो होता है वह एक कोशिकीय जीव है ना, और इन्हें प्रोटोजोआ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटोजोआ, ठीक है। क्या कहा जाता है? प्रोटोजोआ। और यह प्रोटोजोआ किस संघ से बिलोंग करता है? तो मैंने अभी क्या बताया था, विटेकर के द्वारा पांच जगत में वर्गीकृत किया गया था। कौन कौन सा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी। तो प्रोटिस्टा जो है वह आपका किससे बिलोंग करता है, सॉरी प्रोटोजोआ जो है वह आपका प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। तो अमीबा कितने कोशिका का बना होता है? एक कोशिका का। और इनके शरीर का स्ट्रक्चर डिफिनेट नहीं होता, या किसी भी आकार का हो सकता है। इसी से रिलेटेड एक और जीव है पैरामीशियम, ठीक है ना। पैरामीशियम के शरीर का स्ट्रक्चर निश्चित होता है, लेकिन इससे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ऐसे जीव का नाम बताएं जिनके शरीर का आकार कैसा होता है? चप्पल के जैसा होता है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पैरामीशियम। यानी कि पैरामीशियम के शरीर का आकार चप्पल के जैसा होता है, और अमीबा के कोशिका, अमीबा का शरीर जो होता है वह किसी भी आकार का हो सकता है। अगला और लास्ट प्रश्न है आज की क्लास का कि माइकोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है? तो माइकोप्लाज्मा आपका है मोनेरा से। अब माइकोप्लाज्मा क्या है? तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। ओवरऑल अगर हम दुनिया में बात करें तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा है। और यह किस संघ से बिलोंग करता है? तो मोनेरा से बिलोंग करता है, ठीक है। और अगर ओवरऑल सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो वो कौन है? शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। किसकी? शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। और यदि मनुष्य में आए तो मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? अंडाशय की कोशिका। और सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका, ठीक है। तंत्रिका कोशिका जो हमारे शरीर में उद्दीपनों को आदान प्रदान कराता है। 126वां प्रश्न है, बीज रहित पौधे को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है, ठीक है। आप लोग इसका खुद से भी आंसर कर सकते हैं, और कितने आंसर करेक्ट हुए वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिप्टोगैम्स, ठीक है। बीज रहित कहने का मतलब जिन पौधे में बीज नहीं होता है ना, रहित टर्म करता है नहीं को। तो जिन पौधे में बीज नहीं होता है उन पौधे को क्या कहा जाता है? क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है, ठीक है। और अगले प्रश्न है 127वां, बीज रहित पौधे को क्या कहा जाता है? तो बीज रहित पौधे को कहा जाता है फेनेरोगैम्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए प्लांट का जो ये दो टाइप्स है, एक क्रिप्टोगैम्स और एक फेनेरोगैम्स, तो बीज के आधार पर आइकलर ने डिवाइड किया था पादप जगत को, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आर वी टेकर ने जंतु जगत को पाँच वर्गों में डिवाइड किया था, ठीक है। कौन कौन सा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो प्लांटी को आइकलर ने फिर से डिवाइड किया था दो पार्ट में, एक तो था क्रिप्टोगैम्स और एक था फेनेरोगैम्स। तो वो इन्होंने बीज के आधार पर डिवाइड किया था। तो पहला एक था जिसमें बीज नहीं होता था, तो जिनको जिनमें बीज नहीं होता था उनको रखा था क्रिप्टोगैम्स के अंतर्गत, और जिनमें बीज था उसको किसके अंतर्गत रखा था? फेनेरोगैम्स के अंतर्गत रखा था। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सहजीविता का उदाहरण है? तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाइकेन। लाइकेन जो है वह सहजीविता का उदाहरण है। सहजीविता कहने का तात्पर्य यह होता है कि जिसमें दो या अधिक जीव एक दूसरे से परस्पर बंधे हुए हों, यानी कि एक के बिना दूसरा जीव नहीं रह सकता है। तो लाइकेन जो है वह सहजीविता का उदाहरण है, ठीक है। इसको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाइकेन किसका उदाहरण है? तो लाइकेन किसका उदाहरण हो जाएगा? सहजीविता का उदाहरण। तो दोनों उल्टा पुल्टा करके क्वेश्चंस पूछा जाता है। अब बताता है कि लाइकेन में कितने जीव सहजीवी होते हैं? तो याद रखिएगा लाइकेन में दो जीव सहजीवी होते हैं। तो कौन कौन सा? एक तो होता है शैवाल, ठीक है। एक क्या होता है? एक शैवाल हो जाएगा, और एक होता है आपका कवक। ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के सहजीवी होते हैं। शैवाल जो है आपका
यह आपका थैलोफाइटा से बिलोंग करता है और यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सक्षम है, लेकिन कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता है। तो कवक जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए सामग्रियों को लाने के लिए उत्तरदायी होता है और शैवाल प्रकाश संश्लेषण करने के लिए उत्तरदायी होता है, अर्थात यह दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसीलिए इन दोनों के सहजीविता को क्या कहा जाता है, लाइकेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन में कौन जीव सहजीवी होते हैं? तो मैंने अभी बताया था कि लाइकेन में कितने जीव सहजीवी होते हैं, दो, कौन कौन से, शैवाल और कवक। तो इसके हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि शैवाल और कवक जो होते हैं लाइकेन में सहजीवी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 है कि पेड़ के छालों तथा पुराने पत्थरों के ऊपर रंगीन धब्बे के रूप में क्या पाया जाता है? आपने देखा होगा पेड़ वगैरह के छाल के ऊपर या फिर पत्थर के ऊपर, है ना, या फिर जहाँ पर हम लोगों का चापाकल वगैरह होता है वहाँ पर हरा कलर का बहुत सारे दाग धब्बे नज़र आते हैं, हरा लाल भूरा कलर का बहुत सारे धब्बे नज़र आते हैं, तो वो किसका उदाहरण, वो क्या पाया जाता है? तो वो होता है आपका लाइकेन। क्या होता है? लाइकेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाइकेन, जिसको हम लोग अपनी भाषा में काई के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? काई, काई यानी कि लाइकेन। अगला प्रश्न है आपका कि पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है? ठीक है, तो पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है आपका आवृतबीजी। कौन है? आवृतबीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन द्विबीजपत्री है? अब देखिए बीजों के आधार पर भी पौधे को अलग अलग विभागों में रखा गया है। द्विबीजपत्री कहने का मतलब कि जिसके बीज के ऊपर दो आवरण पाए जाते हों उन्हें द्विबीजपत्री कहा जाता है। तो आम में भी होता है, कटहल में भी होता है और बरगद में भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी, यानी कि आम, कटहल, बरगद, इन सभी के जो बीज होते हैं इनके ऊपर दो आवरण पाए जाते हैं, अर्थात ये द्विबीजपत्री होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन एक बीजपत्री होते हैं? एक बीजपत्री कहने का मतलब कि जिनके बीज के ऊपर केवल और केवल एक आवरण पाया जाता हो। तो इसमें है आपका घास, धान या नारियल, तीनों ऑप्शन करेक्ट है। इसका मतलब इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि घास, धान, नारियल, ये सब क्या है? एक बीजपत्री का उदाहरण है। तो ये आप नाम याद रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन में नाम पूछे जा सकते हैं, है ना, पूछा जाएगा कि आम के बीज के ऊपर कितने आवरण होते हैं या आम किस प्रकार का पौधा है, तो द्विबीजपत्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा किस संघ का जीव है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिलेंटरेटा। हाइड्रा किस संघ का जीव है? सिलेंटरेटा है। और दोस्तों ये सारे एनसीईआरटी से बेस्ड है, याद रखिएगा फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 136वां, प्लेनेरिया किस संघ का जीव है? तो प्लेनेरिया आपका प्लेटी हेलमिंथीज का है। किसका है? प्लेटी हेलमिंथीज का। तो आप लोग नाम याद रखिएगा और किस संघ से बिलोंग करते हैं वो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन एनिलिडा संघ से संबंधित है? यहाँ पर कर लीजिएगा कौन, ठीक है, निम्न में कौन एनिलिडा संघ से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में रिपीट हुआ है, चाहे आप रेलवे का दे लो या फिर किसी भी एग्जाम की बात करें तो उसमें ये क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा गया है, अगर हम टैक्सोनॉमी की बात करें तो। तो इसमें एनिलिडा संघ से जोंक भी आता है, केचुआ भी आता है और नेरिस भी आता है। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी, यानी कि जोंक, केचुआ और नेरिस सभी किससे बिलोंग करते हैं? तो एनिलिडा फाइलम से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है 138 क्वेश्चन, कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है आपका ऑर्थ्रोपोडा। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था पादप जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि पादप जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या इनमें से सभी। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है, घोंघा, सीप, सिपिया किस संघ से संबंधित है? तो ये देखिए तीनों अलग अलग जीव हैं, घोंघा, सीप और सिपिया किस संघ से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोलस्का। ये सब किससे बिलोंग करते हैं? तो मोलस्का संघ से बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न है, तारा मछली, प्रिटल स्टार, ये किस संघ से संबंधित है?
तो ये आपका आता है इकाइनोडर्मेटा के ऊपर, ठीक है। अब देखिए, मछली लेकर के आप ये मत कह दीजिएगा कि ये पीसीज वर्ग से बिलोंग करता है, ठीक है, क्योंकि जितने भी मछली होते हैं वो आपका पीसीज वर्ग से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपका जो तारा मछली है यानी कि स्टार फिश जो है वह आपका मछली नहीं है, यह क्या है, इकाइनोडर्म है, यानी कि इनके त्वचा के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे कांटे पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। तो तारा मछली ब्रिटल स्टार किस संघ से संबंधित है, इकाइनोडर्मेटा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मछली को किस उपसंघ में रखा गया है, ठीक है, यानी कि मछली को कौन से उपसंघ में रखा गया है। तो आपका ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पीसीज। कहीं कहीं आपको मत्स्य भी मिलेगा, क्या मिलेगा, मत्स्य भी देखने को मिलेगा, तो ये भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपने सुना होगा नीली क्रांति, ठीक है, नीली क्रांति जो है यानी कि ब्लू रिवॉल्यूशन जो है वह किससे रिलेट करता है आपका, तो वह रिलेट करता है आपका मछली उत्पादन से। तो यह भी याद रखिएगा, अगर बात करें मछली को किस उपसंग में रखा गया है, तो इसे रखा गया है पीसीज उपसंग में, या कभी कभी टर्म किया जाएगा मत्स्य उपसंग, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करें कि बिना शल्क वाले मछली को क्या कहा जाता है, तो बिना शल्क वाले मछली को कहा जाता है कैटफिश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कैटफिश। अगला प्रश्न है, मछली के हृदय में कितने वॉल्व होते हैं। वॉल्व कहने का मतलब कोष्ठ, या फिर आप इसको चैम्बर भी बोल सकते हैं। चैम्बर किस में पाया जाता है, तो चैम्बर आपका पाया जाता है हार्ट में, ठीक है। तो अगर हम बात करें मछली के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, तो मछली के हार्ट में चैम्बर होते हैं दो, ठीक है। मछली किस संघ से बिलोंग करता है, तो मैंने अभी क्या बताया था, पीसीज से, किस से, पीसीज से। तो हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन में ये भी दे दे कि पीसीज वर्ग के जीवों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, याद रखिएगा कितने होते हैं, दो होते हैं। नेक्स्ट है, पीसीज वर्ग के जीवों का श्वसन अंग क्या है। तो श्वसन अंग यानी कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जब भी बात आएगी, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, गिल्स या फिर गलफरा, यानी कि गिल्स इंग्लिश में बोलते हैं, गलफरा इसको हिंदी में बोलते हैं। तो मैंने दोनों टर्म इसलिए लिखा ताकि आपको ऑप्शन में जो रहे वो आप टिक आउट कर पाओ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बी और सी। अब देखिए, गिल कोष्ठ लेकर के आप कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि गिल कोष्ठ में गिल्स स्थित होता है, इसमें गिल कोष्ठ में ही गिल्स स्थित होता है। अब जहाँ तक पीसीज वर्ग की बात करें, तो जरूरी नहीं है यहाँ पर आपको मछली भी दे दें, ठीक है, कि मछली में श्वसन किन अंगों के द्वारा होता है, तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा, गिल्स या फिर गलफरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली का श्वसन अंग क्या है। तो मैंने अब जस्ट बताया था मछली का श्वसन अंग क्या हो जाएगा, गिल्स और गलफरा दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी और सी यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला है, सभी रेंग कर चलने वाले जीवों को किस संघ में रखा गया है। तो जो जीव रेंग कर चलते हैं उन्हें रेप्टिलिया के अंतर्गत रखा गया है, जैसे सांप, छिपकली, मगरमच्छ, ये सब क्या है, रेप्टिलियंस हैं, ठीक है ना, रेप्टिलियंस याद रखिएगा। तो रेप्टिलियन के अंतर्गत इन सभी को रखा गया है, जितने भी रेंग कर चलने वाले जीव होते हैं सभी को। दोस्तों, आप इसका पीडीएफ फाइल भी ले सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम यदि आपने क्रिएट कर रखा है तो उस पर सर्च कीजिएगा अभिषेक सार्क। क्या सर्च करना है, अभिषेक सार्क सर्च कीजिएगा, तो आपको एक चैनल मिलेगा, तो उसको आप उससे वहां से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रेप्टिलियंस के हार्ट में कितने कोष्ठ होते हैं। तो जब रेप्टिलियंस की बात आएगी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तीन। रेप्टिलियंस के हार्ट में कितने चैम्बर, तीन। रेप्टिलियंस से क्या क्या बिलोंग करेगा आपका, तो सांप, मगरमच्छ, कछुआ, छिपकली, ये सारे। लेकिन मगरमच्छ इकलौता ऐसा अपवाद कर सकते हैं जिनके हार्ट में कितने चैम्बर होता है, चार। बाद में कि सांप ही सब की बात करें, तो उनके हार्ट में कितने चैम्बर, तीन चैम्बर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी पक्षियों को किस उपसंघ में रखा गया है। तो जब पक्षी की बात करें, तो पक्षियों को रखा गया है एवीज में। किसके अंतर्गत, एवीज के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन, कि चमगादड़ को किस उपसंघ में रखा गया है। तो देखिए, यहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूजन देखने को मिलता है। चमगादड़ पक्षी है,
लेकिन इन्हें रखा जाता है मैमेलियन के अंतर्गत, यानी कि मैमेलिया उपसंघ के अंतर्गत रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि ये होते हैं स्तनधारी। स्तनधारी यानी कि अपने बच्चे को दूध पिलाने योग्य होते हैं, इसीलिए इन्हें मैमेलियंस के अंतर्गत रखा गया है। दोस्तों आप चाहें तो इसका आंसर शीट मैंने यहाँ पर दे रखा है, आप यहाँ से आंसर शीट मिला सकते हैं। पीडीएफ आपको हूबहू मिलेगा, इसमें आपका आंसर शीट भी लोकेटेड है, ठीक है। तो आप इसको एक तरह से टेस्ट के रूप में भी दे सकते हैं, अगर पीडीएफ डाउनलोड कर ले रहे हैं तो टेस्ट के रूप में भी दे करके आंसर बाद में चेकआउट कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर चैनल का लिंक भी दे दिया है, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पीडीएफ को भी अपने दोस्तों में शेयर कर दें और उनको ये लोकेटेड कर दें कि उस पर चैनल का लिंक दिया गया है ताकि वो सब्सक्राइब कर पाएँ। 151वां प्रश्न है, पक्षी के मुख में कितने दांत होते हैं? मैंने पिछले वीडियो में बताया था पक्षी किस वर्ग से बिलोंग करता है, ठीक है। तो पक्षी किस वर्ग से बिलोंग करता है, आप लोग इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। किसमें देना है आपको? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पक्षी के मुख में कितने दांत होते हैं? तो पक्षी के मुख में एक भी दांत नहीं होता, यानी कि शून्य होते हैं। अगला प्रश्न है, एवीज वर्ग के जीव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? एवीज वर्ग से बिलोंग करते हैं आपका पक्षी, चलिए मैंने ये इसका आंसर बता दिया। पक्षी किस वर्ग से बिलोंग करते हैं? एवीज वर्ग से बिलोंग करते हैं। और इनके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? तो इनके हार्ट में टोटल चैम्बर की संख्या कितनी होती है? 7 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एवीज वर्ग का श्वसन अंग क्या है? तो जहाँ तक रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें तो एवीज वर्ग के जीवों का श्वसन अंग है फेफड़ा। अगला प्रश्न है, एवीज वर्ग के जीव कैसे होते हैं? तो एवीज वर्ग के जीव होते हैं ओवीपेरस। अब देखिए यहाँ पर ओवीपेरस वर्ड आ रहा है, ठीक है। ओवीपेरस आखिरकार होता क्या है? तो देखिए जीव की बात करें तो दो तरह के बोल सकते हैं, एक ओवीपेरस और एक वीवीपेरस। ओवीपेरस वैसे जीव जो अंडे को जन्म देते हैं और वीवीपेरस वैसे जीव जो कि बच्चे को जन्म देते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एवीज वर्ग के जितने भी पक्षी होते हैं या जितने भी जीव होते हैं वह सारा अंडे जन्म देते हैं, बच्चे को जन्म नहीं देते हैं, अंडे जन्म देते हैं। तो जितने भी जीव हैं जो कि अंडे देते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं ओवीपेरस, चाहे आपका वो रेप्टाइल्स हो, एम्फीबियंस हो, है ना, या फिर एवीज हो। तीनों वर्ग के जो जीव होते हैं वह ओवीपेरस होते हैं। और आपको पता है उपसंग वर्टिब्रेटा के 5 सदस्य हैं, ठीक है। उपसंग वर्टिब्रेटा के 5 सदस्य कौन सा? पीसीज, एम्फीबियंस, रेप्टिलियंस, एवीज और मैमेलियंस। तो ये 5 वर्ग हैं जिनमें आपका बात करें ओवीपेरस कौन कौन से हो जाएंगे, तो आपका हो जाएगा ओवीपेरस कौन कौन सा, तो एम्फीबियंस, रेप्टिलियंस, एवीज, है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंडे देने वाले जीव को क्या कहा जाता है? तो मैंने अभी जस्ट बताया अंडे देने वाले जीव को क्या कहते हैं, ओवीपेरस कहते हैं। नेक्स्ट है, बच्चे देने वाले जीव को क्या कहा जाता है? तो बच्चे देने वाले जीव को कहा जाता है विवीपेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे का कवच किसका बना होता है? ठीक है, तो अंडे का कवच आपका बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। एक चीज़ याद रखिएगा, कैल्शियम किसी भी पदार्थ में मिल करके उसको सॉलिड स्टेट प्रदान करता है, यानी कि ठोस अवस्था प्रदान करता है। तो किसी भी पदार्थ में यदि कैल्शियम की मात्रा हो तो वह आपका कैसा होगा? सॉलिड होगा, यानी कि ठोस होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया था अंडे का कवच किसका बना होता है, तो अंडे का कवच बना होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट का। चाहे आप जिस भी जीव के अंडे की बात करें, सभी जीव के अंडे का जो कवच होता है, कवर होता है, वह किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा जीव अर्धविकसित शिशु को जन्म देता है? तो जहाँ तक अर्धविकसित शिशु की बात करें तो कंगारू ऐसा जीव है जो अपने अर्धविकसित शिशु को जन्म देता है और उसे मार्सुपिया नामक थैली में रख करके पोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने वही लिया है, कंगारू अपने शिशु को किस ग्रंथि में रखता है? तो कंगारू चूंकि अर्धविकसित शिशु को जन्म देता है, उसे विकसित करने के लिए उसमें बाह्य रूप से एक ग्रंथि पाई जाती है जिन्हें मार्सुपियन कहा जाता है, यानी कि वह अपने अर्धविकसित शिशु को कहाँ पोषित करता है? तो मार्सुपियन नामक ग्रंथि में पाया जाता है, ठीक है, मार्सुपियन नामक ग्रंथि में उसको पोषित करता है।
अगला प्रश्न है, उपसंग वर्टिब्रेटा के कितने अंग हैं? तो मैंने इसी वीडियो में बताया उपसंग वर्टिब्रेटा के 5 अंग हैं। कौन कौन सा? आपका हो जाएगा पीसीज, एम्फीबियंस, ठीक है, क्या एम्फीबियंस, रेप्टिलियंस और एवीज, और उसके बाद मैमिलियंस। तो ये 5 वर्ग हैं उपसंग वर्टिब्रेटा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ग के जीवों का त्वचा ग्रंथिमय होता है? तो जहाँ तक मैं ग्रंथिमय की बात करूँ तो वो आपका होता है एम्फीबियंस, ठीक है। आपने देखा होगा मेढक का, तो मेढक का जो त्वचा होता है वह ग्रंथिमय होता है। और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली RRB का जो एग्जामिनेशन हुआ है, ठीक है, उसमें मैंने ये क्वेश्चन बहुत बार देखा है, ठीक है। तो किस जीव का त्वचा जो होता है वह ग्रंथिमय होता है? तो एम्फीबियंस। और एक क्वेश्चन देखा था, एक तो ये हो गया ग्रंथिमय वाला और एक होता है शुष्क, यानी कि किस वर्ग के जीवों का जो त्वचा होता है वह शुष्क होता है? तो ये होता है रेप्टाइल्स का, यानी कि सरीसृप का। अगला प्रश्न है, जंतु जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? ठीक है, तो मैंने रिसेंटली वीडियो में बताया था कि पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है, ठीक है। तो पादप जगत का उभयचर मैंने क्या बताया था, ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में कहा गया है जंतु जगत का, तो जंतु जगत का उभयचर कहा जाता है एम्फीबिया को, जिसमें आपके मेढक वगैरह बिलोंग करते हैं। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, तो मेढक का वैज्ञानिक नाम आपका हो जाएगा राना टिग्रिना, ठीक है। होमोसेपियंस मनुष्य का। यहाँ पर कैनिस फैमिलियरिस की बात करें तो कैनिस फैमिलियरिस किसका हो जाएगा? आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, ठीक है। बॉस इंडिकस का मैं बता दे रहा हूँ, बॉस इंडिकस होता है गाय का, ठीक है। और भैंस की जहाँ तक बात करूँ तो बॉस बुबेलस। इस तरह से बहुत सारे जीवों का वैज्ञानिक नाम है। यदि आप चाहते हैं कि वैज्ञानिक नाम पर भी वीडियो बनाओ तो आप हमें कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मानव किस वर्ग से संबंधित है? तो मानव जो है वह आपका मैमेलिया वर्ग से संबंधित है। 166वां प्रश्न है, मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव के हृदय में कोष्ठ की बात करें तो 4 होता है। कितना? 4। नाम क्या है? तो अगर कोष्ठ की बात करें तो ह्यूमन हार्ट कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और मैं फिर से बना के बता दे रहा हूँ, ह्यूमन हार्ट का अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस टाइप का होता है, जिसमें 4 क्या होते हैं, कोष्ठक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, जिनमें आप देख सकते हैं ऊपर वाला ये भाग, ये भाग, ये भाग, ये भाग, 4। तो ऊपर वाले दोनों को कहा जाता है अलिंद। क्या कहा जाता है? अलिंद कहा जाता है। और नीचे वाले दोनों भाग को क्या कहा जाता है? निलय कहा जाता है, सॉरी, निलय कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ह्यूमन हार्ट की बात करें तो उनके हार्ट में कितने चैम्बर? 4। कौन कौन से? 2 अलिंद और 2 निलय। अगला प्रश्न है, मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ठीक है, तो मछली के हृदय में होते हैं केवल और केवल 2 कोष्ठ। देखिए, अब कोष्ठों की बात करें तो मैंने कहा था उपसंग वर्टिब्रेटा के 5 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। देखिए, मैंने क्या कहा, उपसंग वर्टिब्रेटा के कितने? 5 सदस्य। एक तो हो गए आपका पीसीज, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। दूसरा है एम्फीबियंस, ठीक है, मैं शॉर्ट में करके लिखता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एवीज, ठीक है, उसके बाद रेप्टाइल्स, ठीक है, और उसके बाद मैमल्स, ठीक है। मैमल्स की बात करें तो पीसीज वर्ग में होते हैं, पीसीज वर्ग के हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं, ठीक है, कितना? 2 चैम्बर। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की बात करें तो इनके हार्ट में 3-3 चैम्बर होते हैं, ठीक है। और एवीज और मैमिलियंस की बात करें तो इनके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। याद रखिएगा, पीसीज में 2, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में 3, एवीज और मैमिल्स में 4। एवीज से मछली बिलोंग करेंगे, एम्फीबियंस से मेढक, एवीज से पक्षी, रेप्टाइल्स से आपका सांप, मेढक, कछुआ वगैरह, ठीक है, और मैमल से मनुष्य बिलोंग करता है, या फिर जो भी स्तनधारी है वो सारे बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये याद रहेगा आप लोगों को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एम्फीबियंस के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? तो मैंने अभी जस्ट बताया एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, इन दोनों के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? तो 3-3 चैम्बर होते हैं। याद रखिएगा, चाहे एम्फीबियंस की बात करें तो और रेप्टाइल्स की बात करें, दोनों के हार्ट में कितने चैम्बर?
तीन चैम्बर होते हैं, लेकिन रेप्टाइल्स का एक जीव है मगरमच्छ। मैंने पिछली वीडियो में इसके बारे में डिटेल से बताया था, ठीक है, आप देख सकते हैं उस वीडियो को। मगरमच्छ एक ऐसा जीव है, रेप्टाइल्स हैं, जिनके हार्ट में चार चैम्बर होते हैं। ये एक अपवाद में है, ये याद रखिएगा, और जो चीज़ अपवाद में होता है वही चीज़ एग्जामिनर क्वेश्चन में डाल देता है, तो ये क्वेश्चन से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मैमेलियंस के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? तो मैमेलियंस के हृदय में, मैंने अभी क्या बताया, मैमेलियंस के हृदय में चार चैम्बर होते हैं, कौन? दो अलिंद और दो नीलय, ठीक है, इसी वीडियो में मैंने डिस्कस कराया। मैमेलियंस के जगह पर आपका यदि मनुष्य दे दे, ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा, मनुष्य मैमेलियंस से बिलोंग करता है, तो मनुष्य के हार्ट में भी कितने चैम्बर? चार ही चैम्बर होंगे। पीसीज का श्वसन अंग क्या है? अब देखिए, रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें तो पीसीज वर्ग का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है गिल्स। क्या है? गिल्स, जो कि गिल कोष्ठ में स्थित होता है। गिल्स को हिंदी में गलफड़ा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, एम्फीबियंस का श्वसन अंग क्या है? तो देखिए, एम्फीबियंस जो होते हैं, इनके श्वसन अंग की बात करें तो टोटल होंगे। क्यों? क्योंकि एम्फीबियंस जल और स्थल दोनों जगह पाए जाते हैं। एम्फीबियंस इसको इसीलिए कहा गया क्योंकि ये जल और स्थल दोनों जगह पाए जाते हैं, इसीलिए इनमें श्वसन सभी के द्वारा होता है, अर्थात गिल्स, फेफड़ा, त्वचा के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करें, रेप्टिलियंस का श्वसन अंग क्या है? तो रेप्टिलियंस का श्वसन अंग आपका हो जाएगा त्वचा, सॉरी फेफड़ा। रेप्टिलियंस का श्वसन अंग क्या हो जाएगा? फेफड़ा, और हो सकता है कभी आपको त्वचा भी मिल सकता है, ठीक है। तो आपका प्राइमरी अगर रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें तो फेफड़ा, और सेकेंडरी की बात करें तो त्वचा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन शीतरक्तीय प्राणी का समूह है? तो शीतरक्तीय प्राणी के समूह की बात करें तो इनमें आपका रेप्टाइल्स भी शीतरक्तीय प्राणी है और एम्फीबियंस भी शीतरक्तीय प्राणी है, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ए और सी दोनों। नेक्स्ट है, निम्न में किस वर्ग के जीवों का त्वचा शुष्क और शल्क युक्त होता है? ठीक है, क्या होता है? शल्क युक्त होता है, यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, शल्क युक्त होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रेप्टाइल्स। रेप्टिलिया जो होता है उनके शरीर का जो त्वचा होता है वह शुष्क होता है, शुष्क मीन्स हो गया सूखा हुआ, और शल्क युक्त कहने का मतलब कि उनके शरीर पर शल्क पाया जाता है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रेप्टिलिया हो जाएगा। चलिए, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, जो कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो क्वेश्चन कहा गया है, लाइकेन में कौन जीव सहजीवी होते हैं? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। आप लोगों ने यदि पिछला वीडियो देखा होगा तो उम्मीद करते हैं कि आंसर इसका दे पाइएगा। चलिए, अब बात कर लेते हैं कि आप इसका पीडीएफ कहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है अभिषेक सार्क। क्या सर्च करना है? अभिषेक सार्क आपको सर्च करनी है और उसको ज्वाइन कर लेनी है, ठीक है। जब आप अभिषेक सार्क को सर्च कीजिएगा तो उसमें इस वीडियो से रिलेटेड आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, और आप इस पीडीएफ से खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने क्वेश्चन के साथ आंसर नहीं दिया है, उसके जस्ट नीचे आंसर दिया है इस टाइप पर, ठीक है, आंसर बॉक्स। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि यदि आप उसको देख करके खुद से सॉल्व करके आंसर मिला करके देख सकते हैं कि कितने मार्क्स आपके सही हो रहे हैं वीडियो देखने के बाद, ठीक है। तो ये सारा आंसर शीट आप लोगों को मिल चुका है। और एक चीज़ और मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि ये सीरीज़ रेगुलर चलता रहेगा, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो कम से कम वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दिया कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए यह वीडियो रेगुलर आता रहे। तो साइंस एक्स्ट्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, तो सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और यदि किसी तरह का कोई सूचना, कन्फ्यूज़न या किसी तरह की कोई बात कहनी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उस बात को लिख सकते हैं, ठीक है, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।